अपील में जो समात है वो बड़ी तवालत इख्तियार करती जा रही है, क्योंकि बास है और बास मेरे ख्याल में अब कंक्लूड होनी चाहिए। अगर इस तवालत के साथ अपीलों की सुनवाई होती है तो फिर हमारे जो आने वाले दो और अपीलें हैं वो मामलात को ईद के बाद ले जाएंगे, तो लिहाजा हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि अब अदालत को कहें कि जी अब जितनी बात हुई है उसी पे इक्तफा कर लें और फैसला दे दें। दूसरी बात ये है कि मीडिया में कुछ एंकर हजरात जो हैं मुसलसल ये खबरें फैला रहे हैं कि पीटीआई में इंतशार हैं। आज अतातारण ने भी बयान दिया है और कहा है कि गौर साहब कोई और बात करते हैं और मेरा जिक्र किया है कि मैं कोई और बात करता हूँ। हम सब एक ही बात करते हैं और कोई हमारे दरमियान इख्तलाफ नहीं है। हम जब जेल से निकल आते हैं आप मौजूद होते हैं, एक साथ खड़े होके एक ही बयानियाँ देते हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहद है, एक मुठी है और कुछ हमारे अपने अंदर कोर कमेटी में हम इशूज पे जब इख्तलाफ राय रखते हैं तो इख्तलाफ राय रखते हैं, तो उस इख्तलाफ राय को जो है आप लोग पार्टी के अंदर इख्तलाफ करार देते हैं। हमारी गुजारिश है, कल एक साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं इरशाद भट्टी साहब, उन्होंने मेरे हवाले से कहा कि जी मैंने कोर कमेटी में माफ़ी मांगी और मैंने फलां से माफ़ी मांगी। ये खबरें कौन देता है और क्यों इस तरह बग़ैर तस्दीक के वो ऐसे जहां दीता ऐसे क्रेडिबल साफ़ी ऐसी खबरें फैला रहे हैं? न मैंने किसी से माफ़ी मांगी है कोर कमेटी में, न किसी और से माफ़ी मांगी है, और उनको ऐसे खबरें फैलाने से परहेज करनी चाहिए। बाकी जो हैं हम अपनी राय का इजहार करते हैं, हमारी राय के इजहार को जो हैं हर इशू पे बाद अवकात तजावीज़ होती है, बाद अवकात कमेंट्स होते हैं और उन कमेंट्स को जो हैं पार्टी का बयानिया तसव्वुर न किया जाना चाहिए। बाकी तीसरी बात यह है कि मैंडेट की चोरी जो है तहाल जारी है। अब फिर जो है दो हल्कों में सुन रहे हैं कि जी रिकाउंट का आर्डर हो गया है और इसी रिकाउंट के बहाने यानी हद ही कर रहे हैं, इतना अंधा समझा है। एक उम्मीदवार 8375 वोटों से पास हुआ है, अलफ लिया है कौमी असम्बली में और इसके बाद जो है उसके तेले तो उसी रिटर्निंग अफसर के पास है जिसने फॉर्म 47 बनाए हैं। उन्होंने तेले खोल के उनके मुतहद्दद पोलिंग स्टेशनों पे डबल मोहर लगा दिए ताकि इसके वोट रिजेक्ट हो जाए और बाद में रिकाउंट के नाम पे कहते हैं कि जी 8300 की लीड हो भी गई, 3500 की और लीड जो है नून के उम्मीदवार को दिला देते हैं। ये पाकिस्तानियों को देखना चाहिए कि ये कितना जुल्म कर रहे हैं और कितनी जेलसाजी से ये सीटें हासिल कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं कानून की जबान में, जेलसाजी, फ्रॉड, चीटिंग, इसी पे ये हुकूमत बनी है। जो हुकूमत धोखा दही के बुनियाद पे बनी हो वो पाकिस्तानियों की खिदमत करेगी। इनका काम ये है, इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करें। ये धोखा दही जो हैं ये हारबिंजर हैं, नकीब हैं कौम के साथ बड़े धोखे की। इन्होंने बड़े हाथ मारने हैं जिस तरह इन्होंने 16 माह में मारे और आइंदा जो चंद महीनों में प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बहुत बड़े फ्रॉड होने वाले हैं। पाकिस्तान एयरलाइन को ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं कि जी खसारे में जा रहा है। कौम को ये सवाल करने का हक है कि पीआईए क्यों खसारे में जा रहा है। पीआईए के फंड जो है खुर्द बुर्द हुए हैं, पीआईए के जहाज खरीदे गए हैं, एक जहाज बोइंग 140 मिलियन डॉलर पे बोइंग कंपनी बेचती है। हमारे पीआईए ने 7 जहाज खरीदे 138 मिलियन डॉलर पे, अदायगी गवर्नमेंट ने कर दी। बाद में जब उन्होंने कहा जी कि काउंट डाउन दे, ब्रेकअप दें कि किस इंजन के कितने हैं, अंदरूनी से के कितने हैं, तो ब्रेकअप में पता चला कि 40 मिलियन डॉलर उन्होंने मेंटेनेंस कीमत में रखे हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास तो इंजीनियरिंग का अपना शोभा है तो हमें मेंटेनेंस के पैसे वापस करो। 2780 मिलियन डॉलर बोइंग ने वापस किए, वो पैसे पाकिस्तान में अभी तक नहीं आए हैं, किसी के जाती अकाउंट में ऑफशोर अकाउंट में गए हैं। अब कहते हैं पीआईए को बेचो, प्राइवेटाइज करो, और भाई वो पैसे कौन निकलवाएगा? और ये एक नहीं, इस तरह कई वारदातें हुई हैं। अब प्राइवेटाइजेशन के नाम पे ये रीज़न दिया है कि सिक्योरिटी थ्रेट है 23 मार्च को,
तो 23 मार्च को इसे नहीं दी जा सकती। अब 30 मार्च को भी यही कहे कि जी उनके पास आईबी के और स्पेशल ब्रांच के रिपोर्ट्स आए हैं। आईबी तो इनका बगल बच्चा है, आईबी तो कहें ये कहें दिन है तो दिन है, कहें रात है तो रात है। ये कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है जो हुकूमत के इशारों पे नाच रही है और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है। दूसरी बात ये है कि खतरा हमें है या खतरा हुकूमत को है? आपकी लड़ाई अफगानिस्तान के साथ है, आपकी लड़ाई जो है दहशतगर्दी के अगेंस्ट है, तो लिहाजा वो तख्त मश्क या टारगेट जो हैं उन्होंने हमेशा दहशतगर्दी के वाकयात में हुकूमत पे अटैक होते हैं, उनको 23 मार्च को खतरा नहीं था, इतना बड़ा इवेंट कर दिया और हमें खतरा है। 72 हमने जलसे जुलूस किए, एक सिपाही तक की सिक्योरिटी नहीं दी, न सिंध में, न केपी में, न बलूचिस्तान में, न इस्लामाबाद में और न पंजाब में, सारे पुरमन रहे। और अब कहते हैं कि पीटीआई के जलसे को थ्रेट है, तो लिहाजा हम तमाम थ्रेट के साथ अपने ही रिस्क पे अपना जलसा करना चाहते हैं। और ये जो बहाने कर रहे हैं, बुनियादी हक है हमारा आर्टिकल 16 के तहत एहतजाज का, आर्टिकल 17 के तहत हमारा हक है कि हमारी पार्टी की क्यादत में हम इसको लीड करें, और आर्टिकल 19 के तहत ये हमारा बुनियादी हक है कि हम अपने एहतजाज में कानून के दायरे में रहती हुई अपने आज़ादी राय करें। तो लिहाजा इन चीज़ों को पाकिस्तानी ये देख लें, इनका ये बेरूप कहते हैं जी हम मुफाहमत की बात करते हैं, तो भाई आप हमसे तो सांसें छीन रहे हैं, आप हमें जीने नहीं दे रहे, ऊपर से वो जिसकी शक्ल पे जो है अल्लाह ने लानत जो है बरसाई हुई है राणा सनाउल्ला, वो खान की जिंदगी के हवाले से क्या लुकवियात बक रहा है। पीएमएलएन को सोचना चाहिए ना, ये अपने घोंडे सड़क चाप घोंडे बिटाए हुए हैं, ये आपके लीडर है, ये जबान है कि खान की जिंदगी जब तक है खान के वजूद से आपको खतरा है, इसके अहमाल जो है वो इसकी कभी शक्ल पे कंधा है, आप देख लें इसकी शक्ल को, और ऐसी जबान इस्तेमाल करोगे राना तो तुम्हें 10 से जरब देते हैं, इसी तरह जवाब मिलेगा। बड़ी जोरों शोर से आप पे कई इल्जाम लगाए गए हैं और कहा गया है कि जनाब ये पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं, खिलाफ इल्जाम जो ये इल्जाम लगा रहे हैं उनको दोनों हाथों से लानत देता हूँ। 50 से ज्यादा आपने कहा था कि वो लोग इस वक्त नहीं चाहते हैं कि जो काम आप लोग कर रहे हैं या पार्टी के अगेंस्ट है, वो आइडेंटिफाई हुए लोग या नहीं हुए? हजरत में आपने मेरा बयान नहीं सुना है, मेरा बयान है ना तो मुझे याद होगा, मैंने 40 का जिक्र किया था, आप उसको 50 में ले गए, नंबर वन। नंबर दो, मैंने ये कहा था कि हमें पार्लियामानी कमेटी में फैसलाबाद से कुछ दोस्तों ने हमें ब्रीफिंग दी कि वहां पे एमपीएस को तोड़ा जा रहा है, इसी तरह कोर कमेटी में हमें पंजाब की तरफ से ब्रीफिंग मिली कि जी वहां पे एमपीएस को तोड़ा जा रहा है, फिर पंजाब के अपोजिशन लीडर ने कहा कि 20 से ज्यादा लोग जो है उनको जो है अप्रोच किया गया है और उनको डराया जा रहा है कि रिकाउंट की बुनियाद पे आपसे सीटें ले लेंगे, लिहाजा इसलिए मैंने ये बयान दिया। देखिए हमारा फोकस होना चाहिए सेनेट, सर मैं अर्ज करूँ नामादर पहले इसका जवाब तुम कल लोने दे, हमारा फोकस होना चाहिए 9 सीटें हमारा टारगेट है केपी में और 2 सीटें जनरल में, एक टेक्नोक्रेट में, पंजाब में जो है ये हमारा टारगेट है और हमें इस पे फोकस करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बयानबाजी के चक्कर में ये हमारे एमपीएस को देखें, इसमें इलेक्शन में कौन लोग आए हैं, बड़े ही ऐसे लोग आए हैं जो आजाद हैं, कोई पार्टी नहीं है, उनकी कोई एमपीएस नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन नतीजे देख लें, मोहसिन नकवी जीतेगा, काकड़ जीतेगा और ये जो तीसरा है वावड़ा, इनकी कोई पार्टी नहीं है और ये कहां से जीतेंगे? केपी में सरमायेदार आए हुए हैं, पंजाब में पैसे वाले लोग आए हुए हैं, लिहाजा ये पोटेंशियल टारगेट हमें करेंगे, तो हमें अपने वोटरों पे अपने एमपीएस हजरात के साथ कोऑर्डिनेशन को जो है वो मजबूत करना चाहिए ताकि सेनेट में हम साबित कर सके कि खान घर से अंदर हैं, तंजीम ने पार्टी ने बाकायदा डिलीवर कर दिया है और कोई लालच या धमकी या दोन जो है वो एमपीएस को मुतासर नहीं कर सकी है। राणा सनाउल्ला साहब का एक और बयान है, वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी और औरंगजेब जो कि वजीर खजाना वजीर दाखिला हैं, ये हमारी हुकूमत की जमानत है कि वो मतलब अगर हमारी हुकूमत में है तो हमारी हुकूमत चलेगी, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? ये किसने जमानत दी है सर? ये जिन्होंने उन्हें लगवाया है, जिन्होंने उन्हें लगवाया, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जीव बोल पड़ा, जीव को दाद देनी चाहिए। देखे
अगर अगर पाकिस्तान में आपकी दाखला, खारजा और आपकी मईशत हुकूमत के हाथ में नहीं है तो हुकूमत क्या है? फिर तो बेहतर है नवाज शरीफ साहब, अब आजकल मरियम नवाज की मुशीर पंजाब में लगी हुई है तो वो मुशीर पंजाब है, और शहबाज शरीफ के लिए तो फिर हम यही कह सकते हैं कि वो शहबाज शरीफ जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ नहीं है, शलवार शरीफ है। सर इस तरफ कानून के दरवाजे पीटीआई पे ऐसा लग रहा है कि तमाम बंद कर दिए।